Assalamu alaikum students, hope you all find this English class. As in the previous video we have started a play as this strange story, a mysterious story that is a basket full of sea trout. Yahan pe humne dekha tha ki this Mrs. Lomo, jisko Mrs. Jean kehte hai, wo judge aur Brody ke paas aati hai aur thank you bolne ke liye unko gift shift saath milati hai. तो जज जो है वो लेने से मना कर देता है, लेकिन ये भी यहाँ से बहुत ज़्यादा उसको बोलते हैं नहीं आपको ये लेना है एंड ऑल दैट. और साथ में ये भी उनसे बोलती है कि अगर ये केस खुल जाएगा तो आप मेरे बेटे को कोई हिरासत में नहीं लोगे. तो जज और ब्रोडी इसको कहते हैं कि हम आप इतनी रात गए, ऐसे कैसे आ गई, तो आप इतनी रात गई इतने अंधेरे में, हम यही कहने के लिए आ गई तो हम आपको घर छोड़ देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानती है. अब जो उसको वो कहते हैं कि आप अगले दूसरा वाला कमरा है उधर पे, आप आराम, क्योंकि रात हो गई होती है तो आराम के लिए जा सकते हैं. लेकिन अब ये ब्रोडी और जो जज है इसकी बातचीत सुनकर उनको शक हो जाता है कि शायद जो मर्डर है वो यही है. वो अब आहिस्ता आहिस्ता से बात करते हैं ताकि वो लोमोर जो है वो दूसरे कमरे में थी वो सुन ना ले इनकी बातचीत. तो उनको इनका इस औरत का अंदाज, अंदर आने का अंदाजा वगैरह वो सब कुछ देखकर वो हैरान हो जाते हैं. तो और जो भी लोमोर ने कहा, जो भी मिस जी ने कहा, उस सबको सुन के इनको इन पे बहुत ज्यादा शक हो गया कि नहीं, कि शायद कातिल जो है वो यही है. और इस बातचीत के साथ साथ वो दोनों सोच रहे थे कि अब आगे कैसे हम चले. तो इसके बाद अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है. दरवाजे पर नहीं, फिर दरवाज़ा नहीं, दरवाजे पर आप दस्तक होती है, दस्तक की आवाज़ सुनाई देती है. वहाँ पे कर्नल जो कि इंस्पेक्टर था वो आ गया है, जो हमारे पास एक और है, दैट इज कर्नल एलडाइस, जो कि चीफ कॉन्स्टेबल है इस कहानी में. वो दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. उसके बाद वो अंदर आता है और जज ने इसको लाइक जो भी जो इसके साथ ब्रोडी था उससे पहले तारुफ करवाया. उसके बाद कर्नल जो है वो एक वो जैसे कहता है कि मेरे पास एक मैं खबर लाया हूँ. ये खबर ये थी कि जो हेक्टर की माँ है उसे खुदकुशी की है. तो ये सुनकर जज जो है और ब्रोडी जो है वो हैरान हो गए, क्योंकि वो औरत जीन के बारे में था.